हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं बहुत ही स्वादिष्ट मजेदार अंडे आलू से बनने वाला स्वादिष्ट नाश्ता। इसके लिए हमने 3 कच्चे आलू लिए हैं, इसे छील लिया है, छील करके धो लिया है और अब मैं इसे काट रही हूँ। तो काटने का तरीका मैं आपको बता देती हूँ। तो एक आलू में 3 भाग करना है, उसके बाद इसके छोटे छोटे से इस तरीके से पीसेस करने हैं। तो आलूओं को बहुत ज्यादा मोटा मत रखिएगा, बहुत ज्यादा पतला भी मत रखिएगा, मीडियम साइज में आलूओं को आपको इस तरीके से काटना है। तो मैंने 3 आलू लिया है, आप इसे 4 या 5 जितना भी आलू से बनाना चाहे बना सकते हैं और इस तरीके से आलूओं को काट लीजिए। इसे आप सुबह के ब्रेकफास्ट में बनाइए या फिर शाम की छोटी मोटी भूख में, बहुत ही मजेदार है, बच्चों को बहुत ही पसंद आता है और अंडे से बना है इसलिए हेल्दी भी है। तो ये देख सकते हैं मैंने सारे आलूओं को काट लिया है, अब इसे हमें अच्छी तरीके से वॉश करना है। तो इसे हमें 2 से 3 पानी से अच्छी तरीके से वॉश कर लेना है। वॉश करने के बाद अब आपको लेनी है एक सूखी टॉवेल और अच्छी तरीके से इसका पानी सुखाना है। और आप चाहें तो इसे पंखे की हवा में भी इसे थोड़ी देर फैला देंगे तो सूख जाएगा। तो ये देखिए पानी सारा सूख गया है, अब इसे एक हम बाउल में कर लेंगे और उसके बाद अब इसमें ऐड करेंगे 2 अंडे। तो कच्चे अंडे आपको डालने हैं यहाँ पर, और अंडे आलू का कॉम्बिनेशन बहुत ही मज़ेदार होता है। ये नाश्ता ऊपर से क्रिस्प, अंदर से सॉफ्ट, बहुत ही यमी बनने वाला है। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिए। साथ साथ थोड़ा सा चिली फ्लेक्स है और नमक है स्वाद के अनुसार, और 2 बड़े चम्मच यहाँ पर ऐड कर रही हूँ मैं मैदा। मैदा की जगह आप कॉर्नफ्लावर का भी यूज़ कर सकते हैं, मैंने मैदा डाला है। तो 2 बड़े चम्मच मैदा डाल दिए, अच्छी तरीके से सभी चीज़ों को मिला लेंगे हल्के हाथों से। अगर मैदे की ज़रूरत आपको और लगती है तो आप और डाल सकते हैं, पर इतना 2 चम्मच सफिशेंट था मेरे मिक्सर के लिए। सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिला लिया, इधर तेल को गर्म होने के लिए रख दिया है। अब एक एक आलू उठा करके इसमें हम डाल देंगे और अच्छी तरीके से इसे फ्राई करना है मीडियम टू लो फ्लेम पर। हाई फ्लेम पर मत करिएगा, नहीं तो आपके आलू कच्चे रह जाएंगे। बहुत ही स्वादिष्ट लगता है खाने में, आप ज़रूर ट्राई करना। ये देखिए एक एक आलू आपको अलग अलग डालने हैं, वरना आलू आपस में चिपक जाएंगे। और बढ़िया सा सुनहरा सा गोल्डन कलर इस पे आने देंगे। बहुत ही स्वादिष्ट नाश्ता है, कम इंग्रेडिएंट से बन जाता है और खाने में तो इतना मजेदार है, इतना यमी है कि आप पूछिए ही मत। जब एक तरफ से अच्छा सा गोल्डन कलर इस पर आ जाए तब इसे आप टर्न कर दीजिए और अच्छी तरीके से सेक लीजिए। आलू अंदर से अच्छी तरीके से पक जाने चाहिए, तो जल्दबाजी मत कीजिएगा, अच्छी तरीके से सेकने दीजिएगा। और ये देखिए बढ़िया सा गोल्डन कलर आ गया है, इसे मैं पलट देती हूँ और उलट पलट कर अच्छे तरीके से क्रिस्प होने तक इसे हम सेक लेंगे। इसे आप बच्चों की टिफिन में भी दे सकते हैं, बच्चों को बेहद पसंद आएगा। ये देखिए उलट पलट कर अच्छी तरीके से आलूओं को मैं सेक लूंगी। बस हमारे यमी यमी नाश्ता बनकर के तैयार है। तो चलिए इसको निकाल लेते हैं और दूसरे बैच का जो बचा हुआ है उसे भी हम फ्राई कर लेंगे और इसे आप मनपसंद चटनी के साथ खा सकते हैं, सॉस के साथ खा सकते हैं या फिर गर्मा गर्म चाय के साथ ऐसे भी इसे सर्व कर सकते हैं। तो चलिए दूसरे बैच का भी डाल करके सेम प्रोसेस में हम फ्राई कर लेंगे और इसके बाद इसमें कुछ और भी चीज़ें ऐड करके इसे और भी चटपटा मैं बनाने वाली हूँ। तो चलिए आपको दिखा देती हूँ कि मैंने इसे और भी चटपटा कैसे बनाया है। तो इसके लिए हमने एक मज़ेदार मसाला तैयार किया हुआ है, जिसमें लिया है थोड़ी सी लाल मिर्च, थोड़ा सा चाट मसाला, थोड़ा सा काला नमक, 3 चीज़ों को अच्छी तरीके से मिला दिया है और इस आलू के ऊपर हमने छिड़क दिया है ताकि पूरे आलू के ऊपर इसकी कोटिंग हो जाए। तो बस हमारे गर्मा गर्म नाश्ता बन कर के तैयार है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और इसे मैंने सॉस के साथ सर्व किया है। तो फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।